हेलो एसपीरें वेलकम टू द यू पी एस सी एनालाइजर टुडे वी विल डिस्कस न्यूज़ पेपर डेटेड सेवेंटीन ऑफ डिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी टू एंड इफ यू आर फाइंडिंग दिस एनालिसिस हेल्पफुल देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ अ वर्ड नॉट एस स्नैक्स स्नेक्स इन बैकयाड कैन बाइट तो जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं इन्होंने पाकिस्तान को स्लैम किया है अब पाकिस्तान को क्यों स्लैम किया है क्योंकि पाकिस्तान एपी है टेररिज्म का एपी मतलब पाकिस्तान मुख्य केंद्र है टेररिज्म का इंडिया एंड पाकिस्तान इंगेज इन अ डिप्लोमैटिक स्पैट इन न्यूयॉर्क एज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर स्लम्ड पाकिस्तान फॉर बींग द एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म और यहां पर हिलेरी क्लिंटन ने एक बार ये बात कही थी कि अगर आप स्नेक्स को अपने बैकयार्ड में रखते हो और आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि ये सिर्फ आपके नेबर्स को बाइट करेगा तो आप गलत सोचते हो इवेंचुअली दे विल बाइट द पीपल हु कीप दैम इन दैकयार्ड तो पाकिस्तान के लिए यह एडवाइस दी गई थी कि पाकिस्तान को अगर ये लगता है कि पाकिस्तान टेर्रिज्म को स्पॉन्सर करेगा और यहाँ पर जो टेररिज्म है ये सिर्फ यहाँ पर पर दूसरे कंट्रीज को ही नुकसान पहुंचाएगा और पाकिस्तान को इससे कुछ नहीं होने वाला है तो पाकिस्तान ऐसा गलत सोचता है एंड यू कैन क्लियरली सी पाकिस्तान में क्या हो रहा है

ट हो रहा है तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने बेसिकली ये कहा कि आप यहाँ पर रॉन्ग मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछ रहे हो आपको पाकिस्तान के मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछना चाहिए कि वो कितने लंबे समय तक यहां पर टेररिज्म की इंटेंशन रखते हैं अब हम चलते हैं आगे यू नो यू आर आस्किंग द रॉन्ग मिनिस्टर वेन यू से हाउ लॉन्ग विल बी डू दिस बिकॉज इट इज द मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान हु विल टेल यू हाउ लॉन्ग पाकिस्तान इंटेंड्स टू प्रैक्टिस टेरिज्म द एंड ऑफ द डे वर्ड इज नॉट स्टॉपेड वर्ड इज नॉट फॉरगेटफुल और सबको पता है कि यहां पर पाकिस्तान ने क्या किया है और दुनिया उस कंट्री को कॉल आउट करती है जो कि यहां पर टेरिज्म को प्रैक्टिस करता है एंड पाकिस्तान इज द एपी सेंटर ऑफ टेरिज्म बाई टेकिंग दट डिबेट इल्स वी आर यू आर नॉट गोइंग टू हाइड इट यू आर नॉट गोइंग टू कंफ्यूज एनी बडी एनी मोर सबको पता है ओसामा बिन लादेन कहाँ मिला था पीपल हैव फिगड एट आउट सो माई एडवाइस इस प्लीज क्लीन अप योर एक्ट एंड प्लीज ट्राई टू बी अ गुड नेबर प्लीज ट्राई एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू वर्ड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज ट्राइंग टू डू तो आज की दुनिया यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर फोकस कर रही है प्रोग्रेस के ऊपर फोकस करिए डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर रही है लेकिन पाकिस्तान आज भी यहाँ पर टेररिज्म के ऊपर फोकस कर रहा है नेक्स्ट हम चलते हैं सेकेंड न्यूज पर डायलॉग डिप्लोमेसी आर वे फॉरवर्ड प्राइम मिनिस्टर टू पुतिन ऑन यूक्रेन प्राइम मिनिस्टर मोदी की फोन कॉल हुई है रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ तो इस बार जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं ये इंडिया रशिया समिट के लिए रशिया नहीं जा रहे हैं लेकिन फोन कॉल पर यहां पर बात हुई है डेज आफ्टर इट बिकेम क्लियर दैट मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज नॉट गोइंग टू रशिया फॉर द एनुअल सम दिस ईयर द टू लीडर्स डिस्कस द सिचुएशन इन यूक्रेन एंड इंडिया रशिया बाइोलेट्रल टाइम इन अ टेलीफोन कॉन्वर्सेशन ऑन फ्राइडे दिस इज देयर फिफ्थ फोन कॉन्वर्सेशन दिस इयर सिंस द रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बेसिकली यही कहा है रशिया को कि डायलॉग एंड डिप्लोमेसी ओनली वे फॉरवर्ड और ये वॉर का कोई अंत नहीं है डायलॉग एंड डिप्लोमेसी सिर्फ यही एक वे फॉरवर्ड है तो डायलॉग एंड डिप्लोमेसी के पाथ पर चलना चाहिए लेकिन जब आप यहां पर आपको ये बात कहीं नहीं मिलेगी क्रेमलिन मोदी व्लादिमर पुतिन गेव फंडामेंटल ऑफ लाइन

और रशिया को इंडिया की इसलिए जरूरत है क्योंकि रशिया के ऊपर लगे हैं सैक्शंस और रशिया को जो अपना ऑयल सेल करना होता है तो इंडिया उसके लिए बहुत बड़ी मार्केट है तो वाइल डेली बैंस ऑन मॉस्को फॉर सप्लाई ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट मॉस्को वॉन्ट्स टू तो सेल एनर्जी टू डेली दैट द टू लीडर्स हैव हेल्ड फाइव फोन कॉल्स एंड मेट वंस इन अ डिफिकल्ट ईयर इज परसवड्ड एज अ पॉइंटर कि आपको अभी भी इंडिया रशिया रिलेशंस में क्लोजनेस मिल जाएगी अब हम चलते हैं आगे ड्यूटी टू स्टेप इन ईवन इन स्मॉल मैटर्स गार्ड लिबर्टी सी जे आई आफ्टर रिजूज रिमार्क तो कल हमने डिस्कस किया था जो यूनियन लॉ मिनिस्टर है उनका ये कहना है कि बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें वैसे भी पेंडेंसी ऑफ केसेज बहुत ज़्यादा है इसीलिए जो यहाँ पर बेल प्लीज हैं जो फ्रिवलेस पी आई एल्स हैं उनको यहाँ पर सुनने की ज़रूरत नहीं है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह कहा है कि ये यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहां पर ड्यूटी है टू टू स्टेप इन इन इवन मैटर्स एंड गार्ड लिबर्टी और यहां पर एक केस की भी बात की गई है तो बेसिकली यहां पर सीजीआई रिमार्क ऑन द राइट टू पर्सनल लिबर्टी बीइंग अ प्रेशियस एंड इन एलिनेबल राइट केम इन ऑर्डर डायरेक्टिंग दैट द सेंटेंस इंपोज्ड ऑन अ मैन तो एक पर्सन को यहां पर कन्विक्ट किया गया था अंडर द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट और उसने यहाँ पर बिजली की चोरी की होगी या बिजली के इक्विपमेंट्स की चोरी की थी तो बेसिकली उसने ऐसे नौ चोरी के केसेस किए के थे और वो नौ केसेस में कन्विक्ट हो गया था और नौ केसेस में उसको यहाँ पर दो दो साल की सज़ा मिली थी और ये कहा गया था कि ये जो दो दो साल की सज़ा होगी ना ये बेसिकली यहाँ पर कॉन्जेक्टिवली होगी तो उसका मतलब ये है क्या उसको यहाँ पर अट्ठारह साल जेल में रहना पड़ता तो यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस केस में अपना रिमार्क्स देते हुए ये कहा था कि बेसिकली उसको यहाँ पर अट्ठारह साल नहीं सिर्फ दो साल ही जेल में रहना पड़ेगा क्योंकि ये जो यहां पर सजा है ये यहां पर कॉन्करेंटली चलेगी ना कि कॉन्जिक्वेटिवली

To give ST to तो ये जो हटीज है इनको उत्तराखंड में एस टी की लिस्ट में इंक्लूड किया गया था लेकिन बेसिकली हिमाचल में एस टी की लिस्ट में इंक्लूड नहीं थे और इनकी ये डिमांड थी कि हिमाचल में इनको एस टी लिस्ट में इंक्लूड किया जाए जो कि इनको अब किया जा रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल श्राइब्स ऑर्डर

अब हम चलते हैं आगे एट कोटा अ कलेक्टिव फेलियर तो कोटा में हमने कल भी डिस्कस किया था कि बेसिकली यहाँ पर रिसेंटली सुसाइड के केसेस आए हैं यस वंस अगेन वी आई मीन अ सिक्स सोसाइटी अपसेस्ड विद मिथिकल नोशन ऑफ सक्सेस तो मिथिकल नोशन ऑफ सक्सेस क्या है कि अगर आप यहाँ पर पर्टिकुलर एक एग्जाम को क्वालिफाई करते हो तभी आप यहाँ पर सक्सेसफुल हो एल यू आर अ फेलियर अलाउड थ्री यंग माइंड्स टू एंड देयर लाइफ्स इन कोटा

होती है ये पूरी तरीके से खत्म हो जाती है वी विल कंटिन्यू टू इक्विट इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी कि यहाँ पर क्या पर्टिकुलर बच्चा एग्जाम को क्वालिफाई कर पा रहा है अ हाइपर कॉम्पिटेटिव एंड ओवर पॉपुलेटेड सोसाइटी जिसमें अपॉर्चुनिटीज कम है लेकिन यहाँ पर एस्पायरेंट्स बहुत ज्यादा हैं द क्रोनिक रेस्टलेसनेस ऑफ द एस्पायरिंग क्लास फॉर होम दिस सॉर्ट ऑफ एजुकेशन टू बी दैपिटल फॉर अपवर्ड सोशल मोबिलिटी तो अगर आप यहां पर मिडिल क्लास देखो तो मिडिल क्लास को सिर्फ एक ही ये जरिया लगता है कि अगर उनका बच्चा यहां पर आई आई में चला जाएगा या एम्स में चला जाएगा तो यही एक पर्टिकुलर जरिया है उनकी सोशल मोबिलिटी का द स्टार्ट ऑफ जॉब्स फॉर दो सीक टू परस्यू लिबल आर्ट्स एंड सोशल साइंस तो जो बच्चे यहां पर ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के होते हैं उनके लिए मार्केट में आपको ज्यादा जॉब्स नहीं मिलेंगे इन द ने ऑफ द एजुकेशन माफिया इंड द पोलिटिकल क्लास दट टैप्स दिस एन्जाइटी एंड एक्सिस्टेंशियल इनसिक्योरिटी

through our innovative pedagogic practices and open the windows of consciousness of young students तभी यहाँ पर possible हो पाएगा हर student के लिए realize करना कि यहाँ पर हर student unique है और यहाँ पर कोई uniform notion नहीं है success का कि आप यहाँ पर अगर particular exam निकालोगे तभी आप यहाँ पर successful हो and creativity manifest itself in multiple forms at a time when coaching centers have colonized the imagination of young students school must assert their confidence through a vibrant culture of engaged pedagogy सेकंड यहाँ पर बात की गई है जो पेरेंट्स हैं पेरेंट्स ये समझते हैं कि जो उनके बच्चे हैं वो बेसिकली उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं तो बच्चे उनकी इन्वेस्टमेंट्स नहीं है बेसिकली आर वी रेडी टू रियलाइज दैट आर चिल्ड्रन आर नॉट इन्वेस्टमेंट आर रॉ मटेरियल जिनको कि आप कोटा भेजोगे और वो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होकर आ जाएंगे इन अ पॉलिश प्रोडक्ट विथ प्लेसमेंट ऑफर्स एंड एन एस्ट्रैक्टिव सैलरी पैकेज तो ये आपको समझने की जरूरत नहीं है आर वी बोल्ड एंड ट्रांसपेरेंट इनफ टू रियलाइज कि हमारे जो बच्चों की रियल हैप्पीनेस है दिस लाइक्स इन एक्सपेरिमेंटिंग लुकिंग एट दम सेल्फ एंड इवेंचुअली पर्सन वॉट दे आर इनक्लाइन टू इज़ इट पॉसिबल फॉर एस टू एक्सेप्ट दट डाइवर्सिटी इज़ नेचुरल एंड हैंस इट इज़ अन नैचुरल इफ एवरी चाइल्ड बिकम्स अ पेरेंट एंड जस्ट कम्पेयर टू बिलीव दैट की अगर वो यहाँ पर कंप्यूटर इंजीनियर या आई एस ऑफिस बनेंगेगा तभी वो यहाँ पर सक्सेसफुल है एंड थर्ड वी मस्ट मेक द पोलिटिकल क्लास अकाउंटेबल तो हमारे इलेक्शन किस बात के ऊपर लड़े जाते हैं धर्म के ऊपर लड़े जाते हैं आपको उसमें एजुकेशन का फोकस नहीं मिलेगा आपको उसमें लाइवलीड अपॉर्चुनिटीज के बारे में बातचीत नहीं मिलेगी एंड थर्ड वी मस्ट मेक द पोलिटिकल क्लास अकाउंटेबल आर चिल्ड्रन आर सफरिंग गवर्नमेंट स्कूल्स कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज आर इन स्टडी डिक्लाइन विद द मैनेजमेंट कोटा एंड कैपिटेशन फी प्राइवेट मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस आर फर्दर एक्सप्लोयरिंग द एन्जाइटी रिडन एंड एम्बिशियस पेरेंट्स एंड देर इज नो सिंसियर एफर्ट यहाँ पर कोई एफर्ट नहीं किया जा रहा है जॉब अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करने के लिए इन द डाइवर्स फील्ड्स लेकिन उसके बाद भी ये जो रियल इश्यूज है ये इलेक्शंस का टाइम आपको नहीं मिलेंगे वी सीम टू बी हैप्पी विद अर कास्ट एंड रिलीजियस आइडेंटिटीज एंड सीम टू बी मोर इंटरेस्टेड इन टेंपल्स एंड मॉस्क देन एजुकेशन एंड लाइवलीहुड तो लोग यहाँ पर ज्यादा इंटरेस्टेड हैं टेम्पल्स के बारे में मॉस्क के बारे में और उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है एजुकेशन के बारे में लाइवलीहुड के बारे में कि इन इशूज के ऊपर बात होनी चाहिए and we are ready to humiliate and kill one another in the name of identity sadly it doesn't shock us that elections are hardly ever fought on the issue of meaningful and inclusive education and the faith of children and youngsters next a formally pushback इस आर्टिकल को हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं तो बेसिकली इसमें यही कहा गया है कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही है बाय द एग्जीक्यूटिव लेकिन ये होने नहीं देना है यहाँ पर जुडिशरी को फॉर्मली पुशबैक करने की जरूरत है दैट्स वॉट जुडिशरी एंड ऑपोजिशन शुड डू इन फेस ऑफ गवर्नमेंट्स बेट टू रिवाइव द डेड एन तो अगर यहाँ पर गवर्नमेंट कोशिश करती है एन को लाने की तो यहाँ पर जो जुडिशियरी है और यहाँ पर जो ऑपोजिशन है उसको यहाँ पर पुशबैक करने की जरूरत है पावर ऑफ फ्यूजन तो इस आर्टिकल के बारे में हमने एक्सप्लेन सेक्शन में डिस्कस किया था बेसिकली और अगर आपने एक्सप्लेन सेक्शन पढ़ा है तो तो आपको समझ आएगा लेकिन इस आर्टिकल में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है कि आपको समझ आएगा तो बेसिकली हुआ क्या है न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन करना बहुत डिफिकल्ट होता है न्यूक्लियर फ्यूजन को रिएक्शन करना बहुत डिफिकल्ट इसीलिए होता है क्योंकि जो टेम्परेचर चाहिए होता है जितना सन की कोर में टेम्परेचर है उससे दस गुना ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है और इस इनेबलिंग एन्वायरमेंट को क्रिएट करना बहुत डिफिकल्ट होता है जिसके लिए बहुत सारी एनर्जी की जरूरत होती है तो यहाँ पर यूएसए के साइंटिस्ट ने क्या किया है नेट गेन इन एनर्जी को अचीव किया है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में इसका मतलब ये है जितनी एनर्जी को यहाँ पर यूज़ किया गया उससे ज़्यादा एनर्जी क्रिएट हुई है और ये पहली बार हुआ है ठीक है इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है और दूसरी बात ये जो हाई टेम्परेचर को क्रिएट करना होता है इसके दो तरीके होते हैं एक तो यहाँ पर लेजर बीम्स का यूज़ करके हो सकता है जिसको इनर्शियल फ्यूजन कहते हैं एंड दूसरा यहाँ पर तरीका होता है स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड्स का यूज़ करना

On Tuesday, researchers at the National Ignition Facility in California, USA announced a milestone in this endeavor. They merged two nuclei to produce a heavier nucleus. Their reactor produced about 1.5 times more energy, जो कि इस प्रोसेस में यूज की गई थी तो हमें यहाँ पर नेट गेन इन एनर्जी देखने को मिला In all the earlier attempts to harness the power of fusion, the reactors used up more energy than what was produced. तो अभी तक हमें यहाँ पर net gain in energy नहीं मिला था पहली बार net gain in energy मिला है अब यहां पर जो फ्यूजन टेक्नोलॉजी है एंड फ्यूजन टेक्नोलॉजी है इसमें क्या डिफरेंस है तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि फ्यूजन में यहां पर ज्यादा एनर्जी जनरेट होती है कार्बन फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी होता है और रेडियो एक्टिव रिस्क भी नहीं होता है अब न्यूक्लियर फ्यूजन में प्रॉब्लम क्या है फॉर एग्जाम्पल यहां पर चेरनोबल डिजास्टर हो गया था नाइनटीन सीरियस सिक्स ओवर द सेफ्टी ऑफ फ्यूजन पॉवर प्लांट्स अकॉर्डिंग टू द आई केस एज द केसारी न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी इज लाइकली टू डबल बाई ट्वेंटी फिफ्टी कंपेयर टू ट्वेंटी और ग्लोबल बॉडी ने यहां पर कंसर्स को फ्लैट किया है कि ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स है इनकी एफिकेसी को क्वेश्चन किया है क्योंकि जो यूएस एंड यूरोप में है ये बेसिकली यहाँ पर काफी पुराने हो चुके हैं तीस साल से ये यहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं इट इज आल्सो मेंटेन दैट द रियलाइजेशन ऑफ द बेस्ट केस सिनेरियो वुड रिक्वायर सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स इन इनोवेटिव न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज नेक्स्ट आर रिस्पांस टू तवांग तो एल के बारे में यहाँ पर बात की गई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में तो चाइना बहुत ज्यादा ट्रांसग्रेशन कर रहा है फॉर एग्जाम्पल चाइना यहाँ पर वेस्टर्न सेक्शन में ट्रांसग्रेशन कर रहा है चाइना यहाँ पर ईस्टर्न सेक्शन में ट्रांसग्रेशन कर रहा है इससे पहले चाइना ने डोकला में ट्रांसग्रेशन किया था तो एक तरीके से ये न्यू नॉर्मल बन चुका है कि चाइना यहाँ पर ट्रांसग्रेशन कर रहा है जमेंट ग्रुप प्रेवेंट इनफैक्ट दर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडियन पार्लियामेंट को बताया वाइल देर वर मोर देन फोर हंड्रेड बॉर्डर वॉयेशन बाई द चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी इन ट्वेंटी फिफ्टीन नंबर सिक्स हंड्रेड पहुंच चुका है इन द ईर ट्वेंटी

जो एल ए सी है एल ए सी हैज़ बीन अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना लेकिन अगर हम ईस्टर्न सेक्टर में देखें तो जो चाइना है ये मैकमोहन लाइन को मानने से मना करता है बट टेक्निकली स्पीकिंग अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर विद तिब्बत वॉज डिमार्केटेड नॉट बाई एल ए सी बट बाई द मैकमोहन लाइन और चाइना इस मैकमोहन लाइन को मानने से मना करता है अब जो इंडिया है इंडिया बेसिकली नहीं चाहता था कि चाइना के साथ हमारा आर्म्ड को एग्जिस्टेंस रहे हम यहाँ पर चाहते थे कि यहाँ पर पीसफुल को एग्जिस्टेंस रहे अनफॉर्चुनेटली इंडिया नेवर पिकड अपट सिग्नल रिस्क एवर्शन एंड पीस ऑप्शन रिमेंट इंडिया प्री ऑक्यूपेशन एज फार एज द एल ए सी वॉज कंसर्न और इसीलिए यहाँ पर जो चाइना है ये इतने ज्यादा ट्रांसग्रेशन करता है लेकिन जब से यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए हैं तो हम भी इस बात में बिलीव करने लगे कि आर्म्ड को एग्जिस्टेंस के साथ ही हम यहाँ पर चाइना के नेबर बन सकते हैं वरना पॉसिबल नहीं है इन नाइनटीन नाइनटी थ्री प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव विजिटेड बीजिंग और यहाँ पर पहली बॉर्डर ट्रिटी होती है पीस एंड शाइकुलिटी एग्रीमेंट वॉज साइंड लेकिन इसमें एल ए सी को डिफाइन ही नहीं

एल एसी वॉल्यूशन बिकेम नॉर्मल China चाइना देयर आफ्ट इंडिया फॉलो द पॉलिसी ऑफ नो कन्फ्रंटेशन लेकिन जब से यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी आए हैं तो उन्होंने यहाँ पर एक पॉलिसी लेकर आए आर्म्ड को एक्जिस्टेंस की तो पॉलिसी नहीं है बेसिकली लेकिन चाइना के साथ हमें आर्म्ड को एग्जिट सेंस के साथ ही रहना पड़ेगा क्योंकि पीसफुल को एक्जिस्टेंस के साथ चाइना रहना नहीं चाहता है बट प्राइम मिनिस्टर मोदी इंट्रोड्यूस अ शिफ्ट इन दट पॉलिसी स्टार्टिंग विद डोकाम इन ट्वेंटी सेवेंटी इंडिया बिगेन डेमोस्ट्रेटिंग वॉट माउ वॉन्ट आर्म्ड को एक्सिस्टेंस डिप्लोमैटिक एंगेजमेंट टुगेदर विद स्ट्रॉन्ग ग्राउंड पॉस्टरिंग बिगेम द न्यू स्ट्रेटिक डॉक्ट्रीन ऑफ इंडिया अनलाइक द लद्दाख सेक्टर जो इंडियन आर्मी है इसकी स्ट्रांगर प्रेजेंस है इन द ईस्टर्न सेक्टर ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पर कंसिडरेबली इंप्रूव हुआ है प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट एंड मिलिटरीली वेल प्रिपेयर्ड इंडियन फोर्सेज अवेट इन द फुल स्ट्रेंथ एनी मिस एडवेंचर अगर होता है ईस्टर्न सेक्टर में और ईस्टर्न सेक्टर में हमारी जो आर्मी है उसने तुरंत पुष्टैक कर दिया था यहाँ पर जो चाइनीज के द्वारा ट्रांसग्रेशन किया गया था नेक्स्ट है यहाँ पर कीपिंग द नेट न्यूट्रल तो यहाँ पर नेट न्यूट्रलिटी की बात की गई और यह कहा गया है कि जो यहाँ पर गेटवेज हैं तो जो गेटवेज हैं उनके ऊपर हमें रेगुलेशन लगाने की जरूरत है द ईज ऑफ लिविंग एनेबल्ड बाई डिजिटल टेक्नोलॉजीज इसीलिए जो इंटरनेट है ये बेसिकली यहाँ पर डे टू डे अफेयर्स के लिए नेसेसिटी बन गया है

रेस्ट्रिक्शन करने लगते हैं या तो एक्सेसिबिलिटी को रोकने लगते हैं तो बेसिकली ये यहाँ पर ओपननेस जो है इंटरनेट की उसको थ्रेटन करते हैं दे देन शिफ्ट रोल्स फ्रॉम बीइंग अ फैसिलिटेटर टू अ रेगुलेटर और ये यहाँ पर गेट वे से ज्यादा गेट कीपर बन जाते हैं कि ये यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि, कि किसको यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी मिलेगी किसको यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी नहीं मिलेगी जो कि गूगल करता है हैज द नीड फॉर अ कोड ऑफ कंडक्ट और रेगुलेशन टू कीप द प्लेइंग फील्ड लेवल एट एक्सेसिबल टू ऑल तो यहाँ पर जरूरत है कोड ऑफ कंडक्ट एंड रेगुलेशन की टेलीकॉम कंपनीज़ बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटल थी इन प्रोवाइडिंग अ गेटवे टू एसेंशियल कम्युनिकेशन सर्विसेज जैसे कि वॉइस कॉल्स इंटरनेट डेटा एंड टेक्स्ट मैसेजेस और अगर टेलीकॉम कंपनीज भी यहाँ पर अगर गेट की बजाय गेट कीपर बन जाती तो इंटरनेट आज जितना ओपन है और इंटरनेट में जितनी इनोवेशन हो पाई है ये नहीं हो पाती तो जरूरत ये है कि आज यहाँ पर जो नए गेट बने हैं उनको गेट कीपर ना बनने दिया जाए और उनके लिए यहाँ पर एक लॉ लेकर आया जाए एक रेगुलेशन लेके आई जाए जैसे कि यूरोपियन यूनियन लेकर आया है डिजिटल मार्केट्स एक्ट

जो कंटेंट है ये क्या है एप्लीकेशन क्या है सर्विस क्या है डिवाइस क्या है सेंडर क्या है रेसिपियंट एड्रेस क्या है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और इनको यहाँ पर रहना है पूरी तरीके से न्यूट्रल व्हेन द इंडियन गवर्नमेंट केम आउट विद पॉलिसी ऑन नेट न्यूट्रलिटी व्हिच इंटर स्टलेट दट टेलीकॉम नेटवर्क शुड भी न्यूट्रल टू ऑलफॉर्मेशन जो कि ट्रांसमिट हो रही है थ्रू इट अडोप्टिंग नेट न्यूट्रैलिटी इंश्योर दट वी a democratic stance against big tech. फास्ट फॉरवर्ड टू टूडे तो इंडिया आपको यहाँ पर लार्जेस्ट कनेक्टेड नेशन मिल जाएगा इंडिया में एट हंड्रेड मिलियन यूजर्स हैं एज वी प्लान टू रोल आउट फाइव जी स्काईज द लिमिट फॉर इनोवेशन और इनोवेशन को हमें रोकने देना है इन गेटकीपर्स की वजह से विद द रेट एट विच द डिजिटल टेक्नोलॉजीज आर इवॉल्विंग द कोड ऑफ कंडक्ट एंड रेगुलेशन कांट कैचअ अप विद न्यू गेट वे प्रोवाइडर्स दट आर एमरजिंग टू प्रोमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिल जाएंगे स्मार्टफोन्स के लिए गूगल एंड एप्पल और गूगल यहाँ पर गेट कीपर का काम करने लगता है इसीलिए यहाँ पर कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने गूगल के ऊपर यहाँ पर फाइन भी लगाए थे फॉर अनफेयर एंड डिस्क्रिमिनेटरी पेमेंट पॉलिसी वेरियस प्रैक्टिस ऑफ दिस

स्टिल अवाइडेंडेंस ऑन वेरियस डिजिटल ऑफरिंग जो कि यहाँ पर बिग के द्वारा ऑफर किया जाता है और ये बिग पर गेट कीपर बन सकते हैं जो कि हमें इनको बनने नहीं देना है अब हम चलते हैं आगे आई ऑन चाइना जापान मूव्स टू डबल इट्स मिलिट्री स्पेंडिंग तो जापान अपनी यहाँ पर मिलिट्री स्पेंडिंग को डबल करने वाला है 2013 में जापान ने एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया था जिसमें जापान ने यहाँ पर बात की थी कि रशिया एंड चाइना यहाँ पर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं अब जापान का ये मानना है कि यहाँ पर चाइना पार्टनर नहीं है चाइना एक चैलेंज है Japan Friday announced a new national security strategy that will double the amount earmarked for the country's military defense, breaking with decades-long precedent on spending restraint as it seeks to strengthen its military capabilities, king China rising power ko counter. नेक्स्ट हम चलते हैं आगे हुच तो हुज के बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था हूच क्या होती है बेसिकली यहाँ पर इन्फीरियर क्वालिटी की जो शराब होती है इसको ही हुज कहते हैं टॉक्सिक अल्कोहल जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों की जान भी जा सकती है अभी टॉक्सिक कैसे हो जाती है क्योंकि जो उसमें यहाँ पर मीथेनॉल होता है ये इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से टॉक्सिक हो जाती है अब मीथेनॉल कैसे इंक्रीज हो जाता है क्योंकि इनके पास यहाँ पर कमर्शियल डिस्टिलर्स नहीं होते हैं तो इनको यहाँ पर टेम्परेचर कंट्रोल का कोई अंदाजा नहीं होता है और डिस्टिलेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है मीथेनॉल कंटेंट इसमें बढ़ जाता है और जो लोग इसको कंज्यूम करते हैं उनकी चली जाती है द ऑफिशियल डेथ स्टोल इन द बिहार हुच ट्रेजेडी रीज ट्वेंटी एट ऑन फ्राइडे हुच इज अ टर्म फॉर चीप

जो पॉइंट है लोअर बॉइलिंग पॉइंट होता है मीथेनॉ का देन इथेनॉल दिस मींस दैट ज्यूरिंग डिस्टिलेशन व्हेन द मिक्सचर रीच 64.7 डिग्री सेल्सियस द पॉट कलेक्टिंग कॉन्सेंट्रेटेड एल्कोहल बिगे टू फिल अप विद अ डेंजरस केमिकल और इनको यहाँ पर डिस्कार्ड करना होता है लेकिन इनके पास यहाँ पर कमर्शियल डिस्टिलर्स होते नहीं है इनको पता नहीं होता है कि टेम्परेचर कितना है और जिसकी वजह से यहाँ पर मीथेनॉल बढ़ जाता है मीथेनॉ कैन कॉज इम्पेयर विजन हाई टॉक्सिसिटी एंड मेटाबॉलिक एसिडॉक्सिस अ कंडीशन इन विच द बॉडी प्रोड्यूसिस एक्सेसिव फॉर्मिक एसिड इसलिए यहाँ पर जो किडनीज होती हैं वो उसको फ्लश आउट नहीं कर पाते हैं और इंसान की यहाँ पर जान भी चली जाती है इथेनॉल इन्हेबिट्स मीथेनॉल्स कन्वर्जन इं टू टॉक्सिस और ये हेल्प करता है इन फ्लैशिंग इट आउट ऑफ द बॉडी ईदर नेचुरली और थ्रू डायलिसिस

रिलीज करना स्टार्ट कर देंगे अंडरस्टैंडिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हीट बैक टू द एटमोस्फेयर दस इंटेंसिफाइंग ग्लोल वार्मिंग टिपिंग पॉइंट आएगा तो जब यहां पर होंगे रिलीज करना शुरू कर देंगे लार्ज अमाउंट्स ऑफ हीट बैक टू द एटमोसफियर दस इंटेंसिफाइंग ग्लोबल वार्मिंग नेक्स्ट डे वेन कोर्ट गो ऑन वैकेशन तो इसको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कल यूनियन लॉ मिनिस्टर ने बेसिकली ये कहा था कि कोर्ट्स के वैकेशन बहुत लंबे होते हैं ये भी एक रीजन है कि यहाँ पर पेंडेंसी ऑफ केसेज इतना ज्यादा है तो वॉट आर कोर्ट वैकेशन द सुप्रीम कोर्ट हैज़ वन नाइनटी थ्री वर्किंग डेज अ ईयर फॉर इट्स जुडिशियल फंक्शनिंग हाई कोर्ट के यहाँ पर 210 दिन होते हैं हाई कोर्ट यहाँ पर अप्रोसीमेटली 210 दिनों के लिए फंक्शन करती है ट्रायल कोर्ट्स यहाँ पर 245 दिनों के लिए फंक्शन करती है हाई कोर्ट्स हैव द पावर टू स्ट्रक्चर देयर कैलेंडर्स अकॉर्डिंग टू द सर्विस रूल्स द सुप्रीम कोर्ट ब्रेक्स फॉर इट्स एनुअल समर वेकेशन विच इज टिपिकली फॉर सेवन वीक्स और यहाँ पर फिर ए, एक वीक लॉन्ग ब्रेक लिया जाता है दशहरा में एंड दिवाली में एंड टू वीक्स एट द एंड ऑफ डिसंबर तो बेसिकली इतना यहाँ पर होता है ब्रेक वाइल दिस जुडिशियल शेड्यूल हैिजन इन कॉलोनियल प्रैक्टिस क्योंकि यहाँ पर यूरोपियन जजेस को ये लगता था कि इंडियन समर्स बहुत ज्यादा हॉट होते हैं और वो काम नहीं कर पाएंगे इसलिए वो यहाँ पर समर वैकेशन में ब्रेक लेते थे एंड उनको विंटर में लेना पड़ता था क्योंकि क्रिसमस का टाइम होता है व्हाट हैपेंस टू इंपॉर्टेंट केसेस ड्यूरिंग कोर्ट वेकेशंस तो कोर्ट वेकेशंस में ऐसा नहीं होता है कोर्ट बिल्कुल बंद हो जाती है वेकेशन बेंचेस होती हैं जो कि इंपॉर्टेंट केसेस को हेयर करती हैं जनरली अ फ्यू जजेस आर अवेलेबल फॉर हेयरिंग अर्जेंट केसेज इवन वन कोर्ट इज इन रिसेस द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और थ्री जजेस कॉल्ड वेकेशन बेंचेस हेयर इंपॉर्टेंट केसेज दैट कांट वेट केसेज सच एज बेल एवेक्शन एटेट्रा ऑफन फाइंड प्रेसिडेंस इन लिस्टिंग बिफोर वेकेशन बेंचेस इट इज नॉट अनकॉमन फॉर कोर्ट्स टू हेयर इम्पोर्टेंसेज ड्यूरिंग वेकेशन फॉर एग्जाम्पल दो

इन 2014 सुप्रीम कोर्ट ने जब नए रूल्स को नोटिफाई किया तो ये कहा था कि जो 10 हफ्ते का पीरियड है समर वैकेशन का इसको यहाँ पर रिड्यूस किया जा रहा है सात हफ्ते के पीरियड के लिए 2014 में जब पेंडेंसी ऑफ केसेस दो करोड़ मार्क पर पहुंच गया था तो उस समय की सी ने यह कहा था ये सजेस्ट किया था कि जो यहाँ पर इंडिविजुअल जजेस के शेड्यूल हैं उनको बेसिकली यहाँ पर बिगनिंग ऑफ द ईयर में ही ले लिया जाएगा और कैलेंडर को उस अकॉर्डिंग यहाँ पर प्लान किया जाएगा लेकिन ये प्रोपोजल लाइट ऑफ द डे नहीं देख पाया क्योंकि यहाँ पर जो टेनिया था सी का वो बहुत ज़्यादा कम था वह ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ़ कोर्ट वेकेशन अब यहाँ पर जो लीगल फ्रेटर्निटी है उसका ये कहना है कि लॉयर्स एंड जजेस का जो काम होता है उसमें बहुत ज़्यादा इंटेलेक्ट चाहिए होता है लॉन्ग वर्किंग आवर्स का टाइम होता है तो वेकेशन की ज़रूरत होती है

यहां तक कि 2015 में सुप्रीम कोर्ट हर्ड अ मिडनाइट प्ली अगेंस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ याकूब मेमन जस्टिस दीपक मिश्रा एंड प्रफुल पंथ रिटर्न टू वर्क द नेक्स्ट मॉर्निंग तो बेसिकली ये बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लेते हैं तो सिर्फ इनको जो यहां पर वेकेशन मिलती है ये सिर्फ तभी ब्रेक लेते हैं फैमिली ट्रेजिडीज हेल्थ

चाइना बिगेस्ट रोड ब्लॉक टाइम रनिंग आउट फॉर कोलम्बोस आई एम एफ कमिटमेंट तो श्रीलंका आई एम एफ के पास गया था लोन पैकेज लेने के लिए आई एम एफ ने कह दिया कि हम आपको दे देंगे टू पॉइंट नाइन बिलियन डॉलर का लोन पैकेज लेकिन आपको फाइनेंशियल एश्योरेंस लाना पड़ेगा अपने क्रेडिटर से अब ये क्रेडिटर्स कौन है इनके चाइना जैपान एंड इंडिया अब ये फाइनेंशियल एश्योरेंस ला क्यों नहीं पा रहे हैं अपने क्रेडिटर से क्योंकि यहाँ पर चाइना एक बिगेस्ट रोड ब्लॉक बना हुआ है श्रीलंका विच क्वालिफाइड ऑन सेप्टेम्बर फॉर एन आई एम एफ एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी ऑफ टू पॉइंट नाइन बिलियन डॉलर टू टाइड ओवर इट्स वर्स्ट एवर इकोनॉमिक क्राइसिस हैड होप टू हैव इन प्लेस फाइनेंसिंग एश्योरेंस फॉर डेट सस्टेनेबिलिटी फ्रॉम इट्स क्रेडिटर्स बाई दिस मंथ लेकिन यहाँ पर जो चाइना है ये रेडी ही नहीं हो रहा है चाइना इसलिए रेडी नहीं हो रहा क्योंकि चाइना का बेसिकली ये मानना है कि यहाँ पर जो चाइना है इसको प्रायोरिटी दी जानी चाहिए क्योंकि चाइना का यहाँ पर जो लोन शेयर है वो बहुत ज्यादा है चाइना शेयर इज फिफ्टी टू परसेंट जैपैन नाइनटीन पॉइंट फाइव परसेंट एंड इंडिया ट्वेल्व परसेंट द गर्नमेंट सेट इन इट्स ब्रीफिंग फॉर बायलेट्र क्रेडिटर्स वॉट चाइना एंड टू अ असर एक्सटेंट इंडिया डज इज इम्पोर्टेंट टू हाउ श्रीलंका डेट रीस्ट्रक्चरिंग टॉक्स प्रोग्रेस कोई भी बायलेट्रल क्रेडिटर वांट्स एन अदर कंट्री और ग्रुप टू गेट्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट तो जैसे चाइना चाहता है कि उसको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिले लेकिन इंडिया और जापान ऐसा नहीं चाहेंगे कि चाइना को यहाँ पर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिले और अगर यहाँ पर कोई भी हेयर कट हो रहा है कोई भी यहाँ पर लॉस हो रहा है तो ये इक्वनली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए अमंग ऑल क्रेडिटर्स फॉर दिस रीजन क्रेडिटर्स प्रेफर टू नेगोशिएट विदर कंट्री फ्राम अ कॉमन प्लेटफॉर्म और यहाँ पर कॉमन प्लेटफॉर्म हो सकता है पैरिस क्लब जो कि क्रेडिटर्स फ्रॉम दीडी ग्रुप विच इंक्लूड जैपन एंड साउथ कोरिया वर्क टुगेदर थ्रू अ प्लेटफॉर्म कॉल द पेरिस ग्रुप विच वॉन्ट्स चाइना एंड इंडिया टू कम ऑन बोट लेकिन चाइना यहाँ पर आने को रेडी नहीं है कि यहाँ पर ये यह जो चाइना है ये पेरिस क्लब में मिलकर बात करने के लिए रेडी ही नहीं है और अगर यहां पर चाइना नहीं आएगा तो इंडिया नहीं आना चाहता है क्योंकि अगर इंडिया ने वहां पर जाकर बात कर ली और चाइना ने अगर अलग से यहां पर श्रीलंका से बात की और चाइना ने अगर खुद के लिए प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट करा लिया तो इंडिया ये नहीं चाहता है और दूसरी प्रॉब्लम यह है जो हमने न्यू डेली ने श्रीलंका को रिसेंटली फोर बिलियन डॉलर का इमरजेंसी असिस्टेंस पैकेज दिया श्रीलंका इसको भी इसमें इंक्लूड करना चाहता है फाइनेंशियल एश्योरेंस में जो कि इंडिया नहीं चाहता कि इसको पर फाइनेंशियल किलोरेंस में इंक्लूड किया जाए न्यू डेली इज नाउ इंगेज इन सेपरेट बाइलेटर टॉक्स विद कोलम्बो अर्लियर दिस मंथ विक्रम सिंह द टॉक्स ऑफिस

अब ये स्टेटमेंट क्या पहली बार हुआ है कि यहाँ पर जो क्रेडिटर नेशन है वो बेसिकली पर फाइनेंशियल ही नहीं दे रहे हैं तो ये पहली बार नहीं हुआ है पेरिस क्लब इज बिलीव टू बी रेडी विद क्रेडिटर्स क्रेडिटर्सिटी बट श्रीलंका स्टेटमेंट विद इट्स बिगेस्ट क्रेडिटर कंटिन्यूज तो इट अ नॉक ऑन इफेक्ट ऑन अदर क्रेडिटर्स वन वे टू कट थ्रू द इम अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स इज फॉर श्रीलंका टू रिजॉर्ट टू मोस्ट फेवर्ड क्रेडिटर्स क्लॉस एंड मोस्ट फेवर क्रेडिटर्स क्लॉस ये कहता है कि अगर यहां पर किसी भी बायोलेचुरल क्रेडिटर को जो भी यहाँ पर ट्रीटमेंट मिलेगा वो सारे बायोलेचुरल क्रेडिटर को मिलेगा मैनेजस्ट टू स्विंग एडवांटेजेस टर्म्स फॉर इट तो अगर यहाँ पर चाइना को कोई एडवांटेजेस टर्म्स मिल रहे हैं तो यहाँ पर वो इंडिया को भी मिलेंगे एंड यहाँ पर वो जापान को भी मिलेंगे तो आई होप आपको समझ आ गया हो कि यहाँ पर बात क्या चल रही है बात ये चल रही है कि आई ने यहाँ पर लोन देने के लिए बात तो की कि हम आपको टू बिलियन डॉलर का लोन देंगे लेकिन आपको यहाँ पर फाइनेंशियल एश्योरेंस लेकर आनी है अपने क्रेडिटर्स से तो यहाँ पर क्रेडिटर्स कौन है तीन क्रेडिटर्स है इंडिया जापान एंड चाइना अब यहाँ पर जो चाइना है ये फाइनेंशियल एश्योरेंस देगा तो लेकिन उसका ये कहना है कि हमें अब प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दो कि अगर यहां पर लॉसेस होते हैं तो यहां पर चाइना को कम लॉस भुगतने पड़े और बाकी कंट्रीज को ज्यादा भुगतने पड़े लेकिन बाकी कंट्रीज ऐसा क्यों जाएंगे बाकी कंट्रीज तो यही चाहेंगे ना कि अगर कोई भी हेयर कट होता तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए लेकिन चाइना ऐसा नहीं चाहता है तो इसके लिए यहां पर एक सोल्यूशन है मोस्ट फेवर्ड क्रेडिटर्स क्लॉज का कि अगर चाइना किसी भी यहां पर बाई नेगोशिएशन में अपने लिए कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट भी लेता है तो ये यहाँ पर सारे कंट्रीज के लिए होना चाहिए अगर आप पीडीएफ तो उसमें आपको पेरिस क्लब मिल जाएगा क्योंकि इस बार क्वेश्चन आया था जी ट्वेंटी के रेफरेंस में पेरिस क्लब को लेकर स्टेटमेंट था पेरिस क्लब से लेकर तो आपको पेरिस क्लब पता होना चाहिए अब हम चलते हैं आगे एयरटेल टेक एम्स प्राइवेट फाइव जी नेटवर्क वॉट सिग्निफाई तो ये क्या है बेसिकली प्राइवेट फाइव जी नेटवर्क प्राइवेट फाइव जी नेटवर्क ऑल्सो कॉल्ड ए कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क एसेंशियली इज अ नेटवर्क जो कि किसी फॉर्म के ओन यूज के लिए जैसे कि इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पर महिंद्रा के यूज के लिए अनलाइक अ पब्लिक नेटवर्क ये एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के लिए क्लोज होता है हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर रिलाई करता है लो वेव लेंथ एयरवेवस एंड आर देयर फॉर आइडियल फॉर इंस्टीट्यूशन जैसे कि फैक्ट्रीज मैनुफैक्चरिंग प्लांट्स हॉस्पिटल्स यूनिवर्सिटीज अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री एनालिस्ट प्राइवेट 5G networks are आर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग इन अ लार्ज चंक ऑफ द for फॉर कंपनीज़ क्योंकि स्टार्टिंग में जो कंज्यूमर adoption है फाइव जी का वो इतना ज़्यादा नहीं होने वाला है तो यहाँ पर जो कंपनीज को प्रॉफिट होने वाला है वो बेसिकली यहाँ पर प्राइवेट फाइव जी नेटवर्क से ही होने वाला है

टव एट महिंद्रा एंड महिंद्रा चाकन फैसिलिटी तो बेसिकली प्राइवेट फाइव जी नेटवर्क का मतलब यह कि सिर्फ वो यहाँ पर पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के यूज के लिए है नॉन पब्लिक है कैप्टिव है द कॉन्ग्लूम हैज मेटेन दैट इट वॉज नॉट बेडिंग फॉर स्पेक्ट्रम फॉर द कंज्यूमर स्पेस लेकिन यहाँ पर जो अडानी ग्रुप है इसने यहाँ पर बेडिंग सिर्फ यहाँ पर प्राइवेट नेटवर्क के लिए ही की थी खुद के प्राइवेट नेटवर्क के लिए और बाकी यहाँ पर कंपनीज उनको भी प्राइवेट नेटवर्क प्रोवाइड करने के लिए तो बेसिकली आज के न्यूजपेपर में तो इतना ही था अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस के हाइलाइटेड पोर्शन की पीडीएफ चाहिए प्लस स्टैटिक पोर्शन रिलेटेड टू एवरी टॉपिक तो आप इसको बाय कर सकते हो इसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है तो सबसे पहले आपको अपने टेलीग्राम अकाउंट का एक यूजर नेम बनाना है देन यू हैव टू चेंज योर प्रेवेसी सेटिंग्स फॉर दैट आपको सेटिंग्स में जाना है देन प्रेवसी एंड सिक्योरिटी देन ग्रुप्स एंड चैनल्स हु कैन एडमिट टू द ग्रुप चैट्स वहां पर आपको एवरीबडी चूज करना है यू कैन पे वाई आई टू द मैशन यूपीआई आई एंड देन यू हैव टू सेंड पेमेंट प्रूफ विद द टेलीग्राम यूजर आई डी टू द मैं ई मेल आई डेंड प्रोग्राम है करंट अफेयर मेंटरशिप प्रोग्राम जिसमें करंट अफेयर्स को डिटेल में डिस्कस किया जा रहा है आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मिलेगी करंट अफेयर्स को सेवरल सोर्सेज से कवर किया जा रहा है आपको डेली लेक्चर्स मिलेंगे आपको डेली पीडीएफस मिलेंगे आपको डेली कोर्सेज मिलेंगे पर्सनल डाउट क्लेरिंग सेशंस होंगे जो स्टैटिक पोर्शन करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगा उसको डिटेल में डिस्कस किया जा जाएगा एंड ये सीरीज आपके प्रेम्स के लिए भी यूजफुल रहेगी एंड आपके मेंस के लिए भी यूजफुल रहेगी इसका प्राइस है टू थाउजेंड रुपीजी पर मंथ अगर आप इंटरेस्टेड हो देन यू कैन मेक पेमेंट हुआ यू पी आई टू द मैं यू पी आई आई डी एंड देन यू हैव टू सेंड योर नेम ई मेल आई डी टेलीग्राम आई डी प्रूफ ऑफ पेमेंट टू द मैं ई मेल आई डी वेट फॉर समाइम टू गट एड टू द प्रीमियम ग्रुप पर आपको डेली लिंक मिलेंगे फर... तो फर्स्ट न्यूज़ हमने डिस्कस की थी जिसमें हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने ये कहा है कि पाकिस्तान जो है एपिट सेंटर ऑफ टेररिज्म है और पाकिस्तान के आपको बहुत सारे टेररिस्ट मिल जाएंगे वन टू सिक्स सेवन सेंशन कमिटी में डायलॉग डिप्लोमेसी आर वे फॉरवर्ड तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, 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 ने रशियन प्रेसिडेंट से यह कहा है कि डायलॉग एंड डिप्लोमेसी इज द ओनली वे फॉरवर्ड और जो वॉर है इसका आंसर इसी तरीके से हो सकता है और कोई यहाँ पर तरीका नहीं है तो यहां पर डायलॉग एंड डिप्लोमेसी करने की जरूरत है नेक्स्ट यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह कहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है कि लोगों की जो लिबर्टी है उसको गार्ड किया जाए नेक्स्ट विजय देवर्स इज ऑब्जर्व

ऑथर ने तीन सजेशंस दिए हैं सजेशन ये दिया गया है कि यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चों को एक इन्वेस्टमेंट की तरह समझना बंद करने की ज़रूरत है और यहाँ पर जो बच्चों की क्रिएटिविटी है उसको यहाँ पर एनहेंस करने की ज़रूरत है और बाकी यहाँ पर पेडोगॉजी में हमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है नेक्स्ट पावर ऑफ़ फ्यूजन तो यहाँ पर हमने न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन को डिस्कस किया न्यूक्लियर फ्यूजन यहाँ पर क्यों ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि यहाँ पर बेसिकली क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है और इसके अलावा यहाँ पर कोई रेडियो एक्टिव रिस्क नहीं होता है और यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन के कंपेरिजन में यह चार गुना ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करता है लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन को करना डिफ़िकल्ट क्यों होता है क्योंकि जितना टेम्परेचर सर सन की कोर में है उससे बेसिकली दस गुना ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है तभी यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो सकती है तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर क्रिएट करना और उसके बाद जितनी एनर्जी रिलीज़ होती थी उसमें यहाँ पर हमें नेट गेन नहीं देखने को मिलता था पहली बार यहां पर यूएसए के साइंटिस्ट ने, ने नेट गेन को अचीव किया है इन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन न्यूक्लियर फ्यूजन में यहाँ पर क्या क्या बेनिफिट्स है वो हमने डिस्कस कर कराया न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या डिफरेंस होता है ये हमने डिस्कस कर लिया एंड यहाँ पर जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है उसके लिए जो यहाँ पर हाई टेम्परेचर चाहिए होते हैं ये दो तरीके से अचीव किए जा सकते हैं एक तरीका होता है इनर्शियल फ्यूजन का एंड दूसरा तरीका होता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का नेक्स्ट आर रिस्पॉन्स टू तवांग तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ज़्यादा है नहीं जो भी है हमने डिस्कस कर लिया कि यहाँ पर जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है बेसिकली यहाँ पर तीन किलोमीटर लंबी है और यहाँ पर तीन सेक्टर में आप डिवाइड कर सकते हो एक है वेस्टर्न सेक्टर एक है मिडिल सेक्टर एक है ईस्ट सेक्टर, तो सेक्टर में बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ उसके बाद भी बॉर्डर एग्रीमेंट्स हुए लेकिन कहीं पर भी एल को यहां पर प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया गया है एलएसी का डिमारकेशन ही नहीं है कीपिंग द नेट न्यूट्रल तो यहां पर यह बताया गया है कि नेट न्यूट्रलिटी को अचीव करने की जरूरत है और यहां पर डिजिटल गेटवेज गेट कीपर्स ना बने इस बात को यहां पर इंश्योर करने की जरूरत है तो जैसे यहां पर यूरोपियन यूनियन लेकर आया है डिजिटल मार्केट्स एक्ट तो वैसा ही एक्ट इंडिया में भी लाया जा सकता है आई ऑन चाइना जापान मूव्स टू डबल इट्स मिलिट्री स्पेंडिंग क्योंकि जापान को ये लगता है कि चाइना की राइजिंग पावर उसको यहाँ पर काउंटर करने की ज़रूरत है हुज होता है हुज बेसिकली यहाँ पर टॉक्सिक एल्कोहल होती है जिसमें यहाँ पर मीथेनॉल जो होती है उसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है और मीथेनॉल यहाँ पर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है अब ऐसा क्यों होता है क्योंकि इनके पास कमर्शियल डिस्टलर्ट्स नहीं होते हैं तो इनके पास कोई टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होता है नेक्स्ट हमने एक सेटेलाइट डिस्कस की जिसका नाम है सॉट सरफेस वाटर एंड ओशियन टोपोग्राफी सैटेलाइट नेक्स्ट कोर्ट्स की यहाँ पर लंबी वेकेशन होती है इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है तो ये बताया गया है डिफेंड भी किया गया इसको कि नहीं ऐसा नहीं है कि कोर्ट्स की लंबी वेकेशन होती है बेसिकली यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटेलेक्ट वाला काम होता है तो वेकेशन की जरूरत होती है जस्टिस मनीमत कमेटी ने किया कहा उसके बाद लॉ कमीशन की क्या रिकमेंडेशन थी तो ये सारी रिकमेंडेशन आप नोट कर सकते हो अपने नोट्स में और ये कहा गया कि बेसिकली यहाँ पर जो कोर्ट्स होती हैं ये जो जजेस होते हैं वो अपने सोशल एंगेजमेंट्स के लिए कोई भी डे ऑफ नहीं लेते हैं अगर कोई यहाँ पर ट्रेजडी हो जाए या तो कोई यहाँ पर हेल्थ इशू है उसके बाद ही यहाँ पर छुट्टी ली जाती है वरना तो यहाँ पर कोई भी ऑफ तक नहीं लिया जाता है तो ऐसे में अगर इतनी वेकेशन है तो ये कोई ज्यादा नहीं है और ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पर वेकेशन कम कर दी जाएगी तो पेंडेंसी ऑफ केसेज कम हो जाएंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अप्रॉक्सीमेटली उतने केसेज डिस्पोज ऑफ कर देती है जितने पर्टिकुलर ईयर में आते हैं नेक्स्ट हमने बात की चाइना बिगेस्ट रोड ब्लॉक टाइम रनिंग आउट फॉर कोलंबोस आईएमएफ कमिटमेंट तो यहाँ पर आईएमएफ ने कह दिया है कि यहाँ पर जो श्रीलंका है उसको 2.9 बिलियन डॉलर का असिस्टेंस पैकेज दिया जाएगा आईएमएफ एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी लेकिन श्रीलंका से यह कहा गया है कि आप फाइनेंशियल एश्योरेंस लेकर आओगे अपने क्रेडिटर्स से क्रेडिटर्स कौन कौन से हैं जापान, चाइना एंड इंडिया अब बात यह है चाइना ये चाहता है कि बाईलेटर नेगोशिएशंस में यहाँ पर जो चाइना है उसको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिले तीनों क्रेडिटर्स में से लेकिन बाकी क्रेडिटर्स ऐसा क्यों चाहेंगे बाकी क्रेडिटर्स तो यही चाहेंगे ना कि अगर यहाँ पर हेयर कट होता है अगर यहाँ पर लॉस होता है तो तीनों में यहाँ पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए लेकिन ऐसा चाइना नहीं चाहता है तो यहाँ पर बात की गई है कि मोस्ट फेवर्ड क्रेडिटर्स क्लॉज का यूज़ किया जा सकता है मोस्ट फेवर्ड क्रेडिटर्स क्लॉज का ये मतलब है कि अगर चाइना को कोई प्रेफरेंस मिलेगी तो वो सारे कंट्रीज़ को प्रेफरेंस मिलेगी भले वो यहाँ पर जापान हो या इंडिया हो यहाँ पर पेरिस क्लब इंपॉर्टेंट होता है तो पेरिस क्लब आपको देखना है अगर आप पीडीएफ बाय करोगे तो उसमें आपको पेरिस क्लब मिल जाएगा नेक्स्ट एयरटेक एम्स प्राइवेट फाइव नेटवर्क तो यहाँ पर प्राइवेट फाइव जी नेटवर्क क्या है तो बेसिकली जो किसी फॉर्म के लिए है पर्टिकुलरली कैप्टिव है नॉन पब्लिक नेटवर्क है अनलाइक अ पब्लिक नेटवर्क ये यहाँ पर एक्सटर्नल कम्युनिकेशन क्लिक क्लोज है द नेटवर्क रिलाइज ऑन हाई फ्रीक्वेंसी लो वेव लेंथ एयरवेज एंड द एयर फॉर आइडियल फॉर इंस्टीट्यूशन जैसे कि फैक्ट्रीज मैनुफैक्चरिंग प्लांट्स और इससे यहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है जो कंपनीज़ है क्योंकि रिसेंटली तो इतना ज्यादा अडॉप्ट नहीं किया जाएगा फाइव को तो कंज्यूमर्स तो इतनी जल्दी अडॉप्ट नहीं करने वाले लेकिन यहाँ पर जो फॉर्म्स है वो जल्दी अडॉप्ट करेंगे जिसकी वजह से इनको यहाँ पर बेनिफिट मिल सकता है अब जो यहाँ पर एयरटेल है एयरटेल बात कर रहा था नॉन स्टैंड अलोन आर्किटेक्चर की नॉन स्टैंड अलोन आर्किटेक्चर एंड स्टैंड अलोन आर्किटेक्चर के बीच में हमने डिफरेंस डिस्कस किया था नॉन स्टैंड अलोन आर्किटेक्चर में ये होता है कि जो आपके पास एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है जो इनके पास एक्जिस्टिंग नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर होगा फोर का ये उसको ही यूज करेंगे लेकिन स्टैंड अलोन आर्किटेक्चर में यहाँ पर पूरा नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाता है इन द नॉन कैन मैक्सिमाइज़ द यूटिलाइजेशन ऑफ दर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर विद लोअर इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर एयरटेल पहले रिलाय कर रहा था नॉन स्टैंड आर्किटेक्चर पर लेकिन एयरटेल अब यहाँ पर स्टैंड सेटअप भी करेगा फॉर प्राइवेट कैपिटल नेटवर्क यूजेस केसेस तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप टेग्राम गुप पर पोस्ट कर सकते हो इफ यू लाइक दीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू एंड